नमस्कार, हूँ कल्पना अजय नायक। आज आप एक सरस वानगी बनावा जई रह्या छे, तेनुं नाम छे देसाई वड़ा। आ देसाई वड़ानुं नाम आवे ने एटले तरत ज मारा मोंमां पर पाणी आवी जाय, एटली सुंदर रेसिपी छे आ। अने ज्यारे मारा बाळको नाना हता ने त्यारे हुं देसाई वड़ा बनावती ने तो नाना नाना एवा सरस गुलाबी कलरना वड़ा तळू अने पहलो लोट निकळे एटले मारा बंने बाळको अंदरथी चपचप एक बे वड़ा लईने भागी जाय। एवा छे आ देसाई वड़ा। तो चालो आपणे देसाई वड़ानी रेसिपी जोई लईए। वड़ा बनाववा माटे मैं 2 कप जेटलो घऊनो लोट लीधो छे। नॉर्मल आपणे जे रोटली भाकरीमां घरे वापरीए ए ज झीणो लोट। 2 कप जेटलो जुवारनो लोट लीधो छे। 2 टेबलस्पून जेटली अड़दनी दाळ लीधी छे। 1/4 कप ऑइल लीधु छे मोण माटे। चपटी सोडा लीधो छे। 1 टेबलस्पून दही लीधु छे अने 1 चमची मेथीना दाणा जेने मैं शेकी नाख्या अने आ रीते करकरा वाटी नाख्या छे। आ आखी मेथी नथी नाखवानी, फक्त बतावा माटे छे। आ करकरी वाटीने तेने लीधी छे ए नाखीशुं आपणे। तो सौथी पहेला आपणे आ 2 कप घऊनो लोट लईए। कप घऊनो लोट लीधो। आ 2 कप जुवारनो लोट छे। 1/4 कप तेल नाखीशुं। अने एने बराबर मिक्स करीशुं। हाथथी मिक्स करवुं ज पड़शे कारण के बधा भागमां ऑइल मिक्स थई जाय एटला माटे। થઈ ગયું છે। હવે આપણે 1 ટેબલસ્પૂન દહીં લીધું છે એ ઉમેરીશું અને આટલો સોડા લીધો છે 1/4 ટેબલસ્પૂન। અને આ મેથી 1 ચમચી મેં શેકીને કરકરી વાટી લીધી છે એ પણ ઉમેરીશું। हवे आमां आपणे पाणी उमेरीशुं। एक कप पाणी लीधुं छे मैं, पछी जोईए तो आपणे बीजुं लईए। आ लोट पलाळीने एटलीस्ट 4 થી 5 कलाक राखवानो छे। त्यारबाद तेमां मसाला एड करीशुं। ઘણા લોકો ઘઉં અને જુવારનો કરકરો લોટ પણ વાપરે છે, અહીં આપણે ઝીણા લોટના બનાવ્યા છે। ટોટલ 4 કપ લોટ છે બંને થઈને, એમાં આપણે 2 કપ પાણી લીધું છે અને આ રીતનો લોટ તૈયાર કરીને એને 5 કલાક રાખવાનો છે। आज मैं 2 टेबलस्पून अड़द की दाल लीधी थी एने 2 पानी थी सारी रीते धोई लीधी है अने पानी रेड़ीने एने पलाड़ी राखीशू लगभग 4 कलाक। अने पछी एने झीणी ग्राइंड करी दईशू अने आ वड़ा ज्यारे आपणे तळवा बेसीशू त्यारे आ ग्राइंड करेली दाळ पण एनी अंदर उमेरी दईशू अने आ अड़दनी दाळ नाखवाथी वड़ा एकदम सॉफ्ट बनशे। दही और अड़दनी दाळ बंनेने लीधे वड़ा एकदम तमारा सॉफ्ट थशे। आ वड़ाना लोटने 5 कलाक माटे मैं पलाळी राख्यो हतो। हवे अंदर आपणे मसाला एड करीशुं। तो थोड़ी हींग नाखी, हींग थोड़ी आगळ पड़ती नाखवानी तो एनो टेस्ट खूब ज सरस आवे छे। लीलुं मरचुं तमारा स्वाद प्रमाणे जेटलुं तीखुं खाता होय ए प्रमाणे। आदू छीणी लीधुं छे, आदू पण थोड़ुं आगळ पड़तुं नाखीए तो एनो पण स्वाद खूब ज सरस आवे छे। स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखीशुं। हळदर नाखी थोड़ी अने लाल मरचुं पण नाखीशुं थोड़ुं। एक चमची जेटलो गोळ नाखीशुं। मैं बतावेली दाळ अड़दनी दाळ पलड़ी राखेली एने मैं क्रश करी लीधी छे 2 टेबलस्पून जेटली। घणा लोको आ जुआर अने घऊनो लोट वड़ाने माटे दळावे त्यारे अंदर थोड़ी अड़दनी दाळ पण दळी नाखे छे घरे, अने आ वड़ानो लोट बजारमां रेडीमेड पण तमने मळी जशे। तो आ अड़दनी दाळ नाखी अने 2 चमची जेटलू फरीथी दही नाख्यू छे, कारण के ज्यारे लोट पलाळ्यो त्यारे आपणे 1 चमची नाखेलुं हतुं। घणाने खटास वधारे पसंद होय तो पलाळती वखते थोडुं 2-3 चमची नाखी देवानुं, अने कोईने एसिडिटीनो प्रॉब्लेम होय अने खटास वधारे नहीं फावती होय तो आ बनावती वखते नाखवानुं। आ बधा मसाला जे नाख्या छे एने आपणे बराबर मिक्स करी लईए। आनी अंदर थोड़ो गोड़ जरूरी है, ये तमे नाखजो ज, कारण के एना विना ओरिजिनल जो देसाई वड़ानो टेस्ट है ते तमने नहीं आवशे। आमा 2 प्रकारे थाय छे, करकरा लोटनो पण करे छे कोई अने झीणा लोटनो पण करी शके छे। आ वड़ा तमारा ओछामां ओछा 4 दिवस सुधी सरस रहे छे, तो तमारे कोई वार टूर में जवुं होय त्यारे पण तमे साथे लई जई शको अने चा साथे खाई शको। आ वड़ा जे तळवा मूकीए ने आपणे एनी पण एक टेक्निक छे ते तमने हवे हुं बतावुं। दादी पाणी वाळो हाथ करवानो ने? पाणी वाळो हाथ करवानो। ओके, तो आ नाना वाडकामां मे पाणी लीधुं छे, आंगळाथी लेवानुं, एमां हाथ पलळवानो अने આવી રીતે કિનારી કટ કરીને એક વડું મૂકી આવી રીતે બધા વડા ઉતારવાના। તેલને મેં થોડું ગરમ એકદમ થઈ જવા દીધું છે અને જ્યારે આપણે વડા મૂકીએ ત્યારે એને સ્લો કરી દેવાનું। દાદી પેલી છમ વડાની વાત યાદ છે તને? 7 દીકરીની એક મમ્મી હતી, આ એક બ્રાહ્મણ હતા, એને 7 દીકરી હતી। હા, તે સીતળા સાતમ આવી તો વડા કરવાનું માંગ્યું બ્રાહ્મણને। हाँ, तो मागवा माने लोट लाव्यो। हाँ, थोड़ो लोट मळ्यो तो थोड़ा वड़ा लोट बांध्यो अने जेम बधी छोकरीओ सुई गई त्यारे वड़ा तळाई सेम के एम કરીને 1 મિનિટ હવે આપણે આમાં જોઈ લઈએ, પછી પાછી વાર્તા સાંભળીએ દાદીની। આ પાણીનો મેં છંટકાવ કર્યો છે, બીજું કશું નથી। જેનાથી વડા બધા તમારા છૂટા પડી જાય। આ દાદી છે ને તે મારા દીકરા દીકરી નાના હતા ને ત્યારે એને છમવડોની વાર્તા શીખવાતા સંભળાવતા, અને તેમાં આગળ શું છે દાદી? રાતે બાળકો સૂઈ ગયા ત્યારે મમ્મી વડું તળવા બેઠી અને વડાનો લોટ ઓછો હતો અને એક પછી એક બધી દીકરીઓ જાગવા માંડી। પછી શું થયું? જેવું વડું મૂકે તેવું છમ બોલે એટલે છોકરી પહેલી જાગી, એમ બારા પછી બધી છોકરી એક એક વડું લઈને જતી રહી અને બ્રાહ્મણ એમને રહી ગયો। એવું છે આ છમવાડાની કહાની। જ્યારે પણ હું વડા બનાવું ને ત્યારે મને આ વાર્તા યાદ જ આવે। થોડા એને સરસ ગુલાબી થવા દઈએ। આ વડા અમારા સાઉથ ગુજરાતમાં અને મોટે ભાગે દરેક ઘરોમાં સારો પ્રસંગ હોય ને ત્યારે આ વડા બને જ બને। લગ્ન પ્રસંગમાં પણ દીકરીને સાસરે વડા બની હોય તો રવા મેંદાની પૂરી અને આ વડા, ત્યાર પછી શ્રીમંત હોય, ગૃહ પ્રવેશ હોય ત્યારે આપણે જે મહેમાનો આવેલા હોય એને પછી વડાગીરી કરીએ, એમાં ચણાનો લાડવો, પૂરી અને આ વડા પેકેટ કરીને ગિફ્ટમાં આપીએ યાદગીરી તરીકે। અને આ દાદી છે ને એને વડું એટલું બધું ભાવે ને કે હાલતા ચાલતા પણ 2-4 વડા ખાઈ જાય। જુઓ લાલ થઈ ગયા છે સરસ। હવે એને આપણે તેલ નિતારી લઈશું। एक बीजी बार बतावुं छुं तमने मूकता। आ पाणीवाळो हाथ कर्यो, पाणी लेवानुं नथी। अने थोड़ा वड़ा लोट लीधो वड़ानो अने एम करीने मूकी देवानुं। बराबर ने दादी? एम। अने मारी मम्मीए ज्यारे मने शीखवेलुं ने त्यारे मने एम कीधेलुं के वड़ा मूकीए ने तो तेमां चांच नहीं देखावी जोईए। चांच एटले वड़ा तळाईने तैयार थई जाय ने पछी एनी उपर जे बधी त्रासी वड़ाना लोटनी धार निकळे ने ए नहीं निकळवी जोईए। श्रावण महीनो आवे ने एटले बधा तहेवारोना दिवसो आवी जाय। अने दिवसो एटले शुं तमने खबर? दिवसो एटले दिवासाना दिवसथी दिवाळीने 100 दिवस बाकी रहे। अने दिवसो एटले बधा तहेवारोनो राजा। अने दिवसाना दिवसे आ वड़ा तो खास बने एनी साथे दूधपाक पूरी अने वड़ा। पूरी सादी बनावामां आवे जमणमां होय एटले। हवे आ वड़ा जोईने माराथी रहेवातुं नथी। एक वड़ो तो मारे खाई जवुं पडशे। आ देसाई वड़ानो लोट तमने बजारमां पण रेडीमेड मळी जाय अने घरे पण दळी शको तमे। घऊं अने जुवार बंने सरखे भागे लेवाना अने अडदनी दाळ आवे थोड़ी एनाथी सॉफ्टनेस आवे। जो सरस तैयार थई गया छे। आपणे एने हवे काढी लईशुं। आ थया आपड़ा देसाई वड़ा। तमे पण जरूर बनावजो। ओके आवजो।